अस्सलाम वालेकुम। हाय एवरीवन, वेलकम टू पाकिस्तानी मॉम्स व्लॉग इन चाइना। तो क्या हाल चाल है आप सब लोगों का? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और ये लंच का टाइम है और ये आज मैं बना रही हूँ बीफ, और बोनलेस तो नहीं है, बोन्स भी मैंने इसमें ऐड की थी। तो ये देखें, अब ये डन है। और इसके साथ मैंने पास्ता भी बना लिया था। तो इन दोनों की रेसिपीज़ जो है मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे दी हुई हैं, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर नहीं की। और पास्ता में मैंने वेजीज भी डाली थी, काफ़ी मज़ेदार सी बनी थी। और तो ये देखें, ये बस अब भी रेडी है। और पास्ता भी मैंने बॉईल कर लिया था, तो बस मैं अब मिक्स करूँगी और बस इंजॉय करेंगे। और पास्ता में ये है कि आपकी चॉइस है, आपके पास जितने भी वेजीज वगैरह जो आपको पसंद है वो आप डाल लीजिएगा, और उससे भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए, ये अब रेडी है। तो ये मैं ओरिगेनो लीव्स भी थोड़े से डालूंगी, तो इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट हो जाता है और बड़ा मज़े का ना टेस्ट आता है। तो बस मैं इसमें थोड़ा सा वो ऊपर से डाल दूँगी और दम पे लगा दूँगी, तो फिर मैं आपको सर्विंग डिश में निकाल के। तो ये देखें, अब ये रेडी है। आ जाएं आप लोग, जिसको पास्ता पसंद है तो मिलके खाते हैं। तो ये कि बच्चों को काफ़ी ज़्यादा पसंद है, बच्चों को छोड़े हम खुद बड़े भी बहुत शौक से खाते हैं। मुझे खुद बहुत, मैं पर्सनली आपको बताऊं तो मुझे बहुत पसंद है। तो ये अब हम जा रहे हैं तकरीबन शाम का टाइम तो नहीं, मैं कहूँगी तकरीबन होगा 3-4 का। तो अब हम ये जा रहे थे, मीट वगैरह हमने लेना था, तो एक दफ़ा ही ले आते हैं। फिर ये है कि इजीली फिर हम यूज़ करते रहते हैं, मैं क्योंकि अभी के पास तो टाइम नहीं होता, तो बस जब उन्हें टाइम मिलता है बस फिर वो अपने टाइम देख के तो फिर बस मुझे इकट्ठा ही ला देते हैं, तो बस मैं यूज़ करती रहती हूँ। तो अब रास्ते में है और जा रहे हैं, मौसम भी काफ़ी चेंज हो गया है और बीमार भी काफ़ी ज़्यादा है लोग हैं, क्योंकि वायरल इन्फेक्शन की वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग बीमार हैं, हम खुद बहुत बीमार हैं। मेरा तकरीबन 20 दिन होने वाले हैं, मेरी तबीयत खुद नहीं सेट हो रही। खैर, अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती दे। और यह कि भाई, तो बाहर के जो ममालिक हैं उनमें तो ये काफ़ी उनका ट्रीटमेंट जो है वो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो जाता है, क्योंकि उनकी मेडिसिन ज़्यादा हैवी डोज नहीं देते वो लोग, और बहुत ज़्यादा वो कुछ वो ना बहुत लाइट सा लेते हैं। हम जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है कि बात बात पे, ज़रा सी बात पे वो एंटीबायोटिक स्टार्ट करवा देते हैं, तो बट यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, वो बहुत लाइट डोज देते हैं ताकि कोई साइड इफ़ेक्ट भी ना हो और बस आराम आराम से फ़र्क पड़ता भी रहे। खैर, ये तो हर एक का अपना होता है। तो बस काफ़ी दूर तो नहीं है, बस दो स्टॉप ही हैं। तो यह कि यहाँ पे तो मैं कभी भी नहीं आई, तो मैंने कहा चले मैं आपको भी ले चलती हूँ। ये बहुत बड़ी शॉप है और काफ़ी रिजनेबल प्राइस पे यहाँ पे चीज़ें मिल जाती हैं। और ये देखें, ये पता नहीं क्या इन्होंने बना के रखा हुआ है, मैं बस देख रही हूँ, मैंने कहा चले आपको भी दिखा देती हूँ। तो थोड़ा सा मैं आगे गई तो ये नूडल्स बना रहे थे भाई, तो मैंने कहा चलें ये थोड़ा सा कैप्चर कर लेती हूँ। ये मैंने थोड़ा सा कैप्चर किया कि कैसे नूडल्स बनाए जा रहे हैं। और ये देखें जी, बड़े मज़ेदार से तो नहीं, ये मज़ेदार तो आपको खुद ही बनाने पड़ते हैं। तो ये बस अब ये मैदा होता है या कुछ तो होता है जिसके बना रहे हैं, तो मैंने वैसे कभी ट्राई तो नहीं किए। और ये काफ़ी शॉप थी, कुछ हलाल थी, हलाल भी थी, कुछ नहीं भी थी। खैर, मैंने आपकी को दिखाने के लिए और आपकी इन्फॉर्मेशन और के लिए तो कुछ शेयर कर दिया, और इसका मुझे खुद नहीं आइडिया ये क्या चीज़ थी, बट मुझे ये पता है कि मीट का ये बनाते हैं और इसको ओवर ड्राई करते हैं और पता नहीं क्या करते हैं। ये हलाल शॉप है और आगे जो है ये चाइनीज़ लोग जो खाते हैं पिग वगैरह, इसकी शॉप्स थी काफ़ी ज़्यादा। तो खैर, हमने तो मीट लेना था और आगे है थोड़ी सी शॉप, तो मैं आपको चलो विज़िट करवा रही हूँ। तो ये भी इनकी शॉप थी, काफ़ी ज़्यादा 3-4 ये एक साथ ही शॉप थी।
तो चाइनीज़ लोग जो हैं ये पिग वगैरह काफ़ी ज़्यादा लाइक करते हैं और इनकी फेवरेट है, और कहते हैं इनकी सेहत अभी इतनी अच्छी होती है क्योंकि ये खाते हैं। खैर ये तो अब बना रहे हैं, इसको कटिंग कर रहे हैं अच्छे से, साफ़ सुथरा इन्होंने करके रखा हुआ है। तो आगे मैं गई तो थोड़ा वो ये है कि वो प्रॉपर एक पूरा इन्होंने रखा हुआ था, और वो जो है उसकी कटिंग कर रहे थे। ये देखिए पाँव उसके कितने साफ़ करके रखे हुए हैं, पता नहीं साफ़ होते हैं या ये करके रखते हैं, खैर करके ही रखते होंगे। तो ये और आगे एक पूरा, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, ये आगे भी एक पूरा एक वो था, ये देखिए आप ये अब पीसेस कर रहे हैं। खैर ये तो जस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने आपके लिए शेयर किया, और ये जो सामने आपको शॉप्स नज़र आ रही हैं ये सारी हलाल ही हैं। इस पे बड़ा जैसे बीफ मटन वगैरह हर मीट मिल जाता है। और आगे हमने वैसे बीफ मी वगैरह तो नहीं हमने लेना था, तो चिकन लेना था। और ये अब मैं जा रही हूँ अंदर, ही एक शॉप थी, तो चले आ जाएं आप भी। तो ये भी काफ़ी ये देखें, अब मैं देख रही थी कि बेचारी मुर्गियों पे कितना जुल्म हो रहा है, गर्दनों समेत उनको लटकाया हुआ है। तो ये थी, और एक साथ ये, बट ये सारी हलाल थी शॉप्स। और ये यहाँ पे मैं आई तो ये मैं मछली को देख के हैरान थी कि बेचारी कैसे तड़प रही है। तो ये जिंदा हैं, और ये पानी से ना जंपिंग करके तो ये बाहर आ जाती हैं। तो फिर वो शॉप वाले ने अंदर डाल दी, और ये क्रैब्स हैं ये भी जिंदा थे, और पता नहीं, और ये कछुए वगैरह, और ये मछलियाँ भी थी, काफ़ी वैरायटी थी इनके पास। और बस हमने चिकन लेना था, और काफ़ी अच्छा टेस्ट वाइज भी काफ़ी अच्छा था। तो ये दो हमने करवा ली थी मुर्गियाँ, क्योंकि बार बार तो टाइम नहीं होता। तो अब इसको पीसीस वगैरह करवाएंगे, और ये होता है कि इसके ऊपर खाल नहीं ये लोग उतारते, तो मैंने अभी से कहा कि इस इनकी ऊपर से खाल जो है ना उतरवाएं, क्योंकि घर में काफ़ी ज़्यादा मुझसे उतारी नहीं जाती, क्योंकि इतना वो हार्ड सी होती है वो। एक दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं खाल उतारी तो मेरा उसके साथ नेल ही उतर गया, इतना मुझे पेन हुआ। फिर तो मैं उसके बाद से मैं खुद ही ये शॉप वालों को ही कह देती हूँ, रिक्वेस्ट कर लेती हूँ कि उतार के दें। तो ये थोड़ा सा आगे हम गए तो ये एक मंडी टाइप थी, जैसे मंडी तो नहीं, वो जैसे इतवार बाज़ार नहीं हमारे होता, इतवार बाज़ार लगता है, तो इस तरह ये भी मुझे एक नज़र आई। तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ ये भी शेयर करती हूँ। तो ये बिल्कुल मुझे वो इतवार बाज़ार का वो सीन नज़र आ रहा था, जैसे हम इस्लामाबाद जाते थे अपारा या पिशावर मोड़ वगैरह, तो उधर का वो मुझे सीन नज़र आ रहा था, लग रहा था वैसे ही। तो ये भी इन्होंने, ये कि इधर मैं देख के काफ़ी हैरान हुई, क्योंकि उन्होंने काफ़ी काफ़ी बड़े बंडल्स रखे हुए थे। थोड़ी बहुत तो मुझे नहीं इतना पता कि दे रहे थे या नहीं दे रहे थे, बट काफ़ी इन्होंने बड़े बड़े बंडल बना के रखे हुए थे, 5 किलो 10 किलो के बंडल्स और पैकेट्स वगैरह ना, तो वो लोग लेके जा रहे थे। अब ये देखिए इन्होंने रखा हुआ है प्रॉपर, तो गाजरें प्याज लहसुन वगैरह ना, इन सब के बंडल्स थे, और पैक्स मतलब पैकेट बना, पैकेट तो नहीं कहेंगे, बड़े बड़े वो बना के रखे हुए थे, 5 5 किलो 10 10 किलो के। तो मेरे ख्याल से छोटी शॉप्स वाले वो ये लोग यहाँ से लेके जाते, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी रीज़नेबल प्राइस पे चीज़ें थी। तो मैं तो फर्स्ट टाइम यहाँ पे आई थी, और मुझे काफ़ी अच्छी लगी शॉप ये वाला ना, काफ़ी प्राइस वाइज भी अगर कहा जाए तो काफ़ी अच्छा था, और रिजनेबल प्राइस पे थी। और वैसे अगर मैं जहाँ से हम अक्सर शॉपिंग करते हैं, तो मुझे वहाँ से ये काफ़ी सस्ता लगा। और ये पता नहीं अचार बना रही हैं, ये क्या कर रही हैं, बट कुछ कर रही हैं। और बस आगे भी ऐसे ही सीन है कुछ, और ये मसाले वगैरह हैं, और मसाले भी तकरीबन सेम ही हैं अगर देखा जाए तो।
यही गरम मसाला वगैरह और ये मिर्चें ड्राई वगैरह, रेड चिली पाउडर है और चिली फ्लेक्स वगैरह, साबत ये लाल मिर्चें वगैरह, और ये चाइनीज़ कोई कुछ अचार हैं डिफरेंट टाइप के, लहसुन वेजीज वगैरह, पता नहीं किस किस के अचार हैं, ये मिर्चों का अचार है और पता नहीं, ये वेजिटेबल्स का यूज़ काफ़ी करते हैं, तो उन्होंने अचार में भी जो यूज़ किया है वेजीज़ का, तो ये फिर वही स्पाइसेस वगैरह और वही सब है, नूडल्स वगैरह की शॉप है, और कुछ ये मशरूम्स वगैरह की है और डिफरेंट है। खैर अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें चैनल को, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।